डिमांड बढ़ता है क्लीनिंग एजेंट्स का, और जो हम लोग ने वॉल्यूम ग्रोथ देखा है लास्ट क्वार्टर फॉर डिश वॉशिंग और पर्सनल केयर कैटेगरी, इनफैक्ट पर्सनल केयर कैटेगरी में हमने देखा कि नियरली 47% ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर। और जो नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी किए हैं इन द लास्ट क्वार्टर एक्सो का, उसका भी काफ़ी अच्छा सा लाइक रिस्पॉन्स मिला है कंपनी को। डिस्ट्रीब्यूशन में इनका काफ़ी अच्छा है, 8 लाख डायरेक्ट रिटेल आउटलेट्स, नियरली 30 लाख इनडायरेक्ट आउटलेट्स हैं। और जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है फॉर दिस Q4 FY21 जिसके रिजल्ट्स अभी आएंगे, वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेक्टेड है करीब 15% का, एबिटा शुड एक्चुअली ग्रो बाय अबाउट 20%। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में ऑल्दो दिस स्टॉक हैज नॉट परफॉर्म टू वेल इन द रिसेंट पास्ट, पर बिकॉज द रिजल्ट शायद वी शुड सी लेवल्स ऑफ अबाउट 170 और सो। ओके, तो ज्योति लैब वो स्टॉक है जहां पर आपके लिए खरीदारी करने की राय है 170।